भाई तूने अपना हाथ खराब कर दिया भाई, ये पागल है क्या तू? ये हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी उठा मैं सुबह सुबह एंड जैसे ही उठा मैंने देखा बाहर का मौसम, एंड बाहर का मौसम देख के डर गया मैं, क्योंकि लिटरली लग रहा है कि शाम के 5 बज रहे। एंड सुबह उठा मैंने देखा बाहर, मैंने कहा टाइम कितना हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल लगा कि शाम के 5 बज रहे। पूरा काला मौसम है, अगर मैं कमरे की लाइट बंद कर दूं, अंधेरा अंधेरा। ये रहा भाई साहब मौसम, क्या ही जबरदस्त मौसम हो रहा है गाइस, एंड बारिश भी हो रही है, बारिश की बूंदे दिख रही है, रोडे पूरी गीली है, लोग छाता लेके घूम रहे हैं। मतलब फरवरी के महीने में ठंड भी है और बारिश भी है, वाह। बारिश तेज होगी भाई, चलो चलो बंद करो बंद करो बंद करो, चलो चलो चलो, ठंड हो रही है भैया। पैकअप 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 पैकअप। अबे क्या कर रहा है चुलबुल? ओ चुलबुल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हैं क्या कर रहा है, 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 क्या कर रहा है। और इसके लिए खोल रखा है हमने हीटर, ताकि इसको लगे गरम गरम और ठंड ना लगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान की क्रिकेट एकेडमी की हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, एंड बारिश हो रही है तो मतलब इसकी एकेडमी का ग्राउंड हो जाएगा गीला, तो मतलब छुट्टी। चल सो जा। मैंने तो नहा लिया फटाफट और देखा तो बनाया है मम्मी ने नाश्ता। नाश्ते में है रात की सब्जी, हरी सब्जी और रोटी है, बाकी तो मम्मी चले गई अपने मेकअप स्टूडियो में, क्लाइंट है, और फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ मैं। भाई क्या देख रहा है तू ये सुबह सुबह उठ के? ओ भाई क्या कर रहा है, क्या भाई मुंह में पानी आ रहा है भाई, ये खा तो सकते नहीं है, देख के पेट भर रहा हूँ। क्या मोमोज है क्या? कल ओम पर भौंक रहा था ये, और आज पापा पर भौंक रहा है। भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ, पापा हूँ। वो चोर समझ रहा है आपको। चुपचाप बैठ वरना एक ही मारूंगा खींच के। गाइस अभी आ गया हूँ मैं छत में, मस्त बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर, और क्या ही मौसम हो रहा है। ओए होए होए होए, बादलों की आवाजें आ रही है गरजने की, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कोहरा आ गया है, मजे आ गए लिटरली। साथ में खुद से बना के लाया हूँ गर्मा गर्म कड़क चाय, और मौसम को देखते देखते चाय पी रहा हूँ। मौसम देखो आप, और मौसम का आनंद मैं तो ले रहा हूँ, आप भी लो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान भी आ चुका है बारिश में। ये मौसम की बारिश, ओ भाई बारिश का पानी, ये बारिश की बूंदे तुम्ही को तो ढूंढे, ये मौसम क्या कर रहा भाई की बारिश, ये बारिश का पानी, ये बारिश, ये क्या है, ये गर्दन को तो ढूंढे भाई। आराम से भाई, चल ठीक जाएगा, खाली खा ये मत कर ओ भाई, हाथ जाम हो गए बिल्कुल, हाथ पैर सब सुन्न हो गए, छत में पानी से खेल दिया ओम, और मैंने ओम तो खैर अपने हाथ पैर सेक कर चला गया, बट अब मैं सेक रहा हूँ। हो ठंड ठंड ठंड, कैसा करता है मम्मा ये कार्टून है, पूरा ले गया, ये अपने कोपचे में ले गया है, ये अब चबाएगा उसको, ये कार्टून है मम्मा, कहा गया वो बस गाइस अभी लग चुका है लंच, लंच कर लेते हैं सिंपल दाल चावल, टेस्टी टेस्टी खाते हैं इसको, बढ़िया। भाई क्या हो गया? लेकिन ट्यूशन की छुट्टी हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, जीले अपनी जिंदगी को जीले, यही पल है जीने के, मजे कर ले। कौन सा तू पढ़ने जाता था वहाँ? आपको कैसे पता? अरे तू क्यों जाता है वहाँ? सब जानते हैं बेटा, बाप है बाप। ओ भाई साहब, हम सब जानते हैं बाप ने कर दिया ओम को एक्सपोज,
मुझे एक्सपोज कर दिया। ये क्या करने जाता हुआ मैं ये भी जानता हूँ। क्या करता है ये वाह। तभी हमारा प्लान बन गया था नैनीताल जाने का। नैनीताल में इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है कि क्या ही बताया आपको। पूरा नैनीताल बर्फ से ढक चुका है, इतनी भारी स्नोफॉल हो रही है। अभी हम बस निकल रहे थे, हमने कपड़े सबड़े सब पहन लिए थे, कपड़े तो पहने थे मैंने, लेकिन ओम ने जैकेट वगैरह सब पहन के तैयार हुए थे। पापा तैयार, मैं पापा ओम जा रहे थे, मम्मी तो मना कर रही थी क्योंकि मम्मी कुछ काम है, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे क्योंकि शाम के 4 बज गए। अगर अभी निकलते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएंगे एंड अंधेरा हो जाएगा, तो बर्फ क्या हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको खुद की शक्ल भी नहीं दिखेगी अंधेरे में। तो अब प्लान कैंसिल कर दिया है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही ना क्या ही बताया आपको, लेकिन प्लान कैंसिल। अभी तक तेज बारिश हो रही थी एंड अब पूरा मौसम साफ हो चुका है एंड सामने दिख रहा है सनसेट होते हुए। वाओ गाइस क्या सनसेट है, मजे आ गए देखे। अभी बैठे हैं सब के सब कंबल के अंदर, ठंड हो रही है बाहर, ये देखो जरा नींद आ रही है, लेकिन नींद आ नहीं पा रही है क्योंकि इतना ठंड है। ये पापा मम्मी सबको बासी आ रही है, सबको नींद आ रही है, आलस सब आलसी हो गए सबके सब। तो भाई ठंड की हो गई है बड़ी खतरनाक पोजीशन और पांव हो गए एकदम चिल्ड। अच्छा ऐसा लग रहा है कि पांव डाल दिया दोनों फ्रीजर के अंदर, चिल्ड हो गया पैर, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। तभी ठंड है यार, तभी कंबल के अंदर बैठे हैं, मस्त कुछ नहीं हो रहा है, मस्त वस्त कुछ नहीं हो रहा, पस्ती हो रहा है इसके अंदर भी। अच्छा लेकिन फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मजा आ रहे हैं। ओ भाई क्या कर रहा तू ये? भाई देखो मेरा 1,00,000 का टैटू, ये मैंने बनाया नहीं बनवाया है। 1,00,000 का टैटू? हाँ भाई तूने अपना हाथ खराब कर दिया भाई, ये पागल है क्या तू? भाई 1,00,000 का टैटू है भाई, ये बनवाया मैंने। 1,00,000 का टैटू तेरी तो भाई नहीं भाई, 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 भाई। पापा ये ओम ने अपने हाथ में स्केच पेन लगा के पेन लगा के इतना लंबा टैटू बना दिया हाथ में, बोल रहा है 1,00,000 का टैटू, हाथ का नाश मार दिया उसने। बड़ा परेशान हो गया, ओम ने ये कर दिया, ओम ने वो कर दिया, क्या कर दिया बेटा? देखो जरा टैटू बना दिया, इन्फेक्शन हो जाएगा ओम, इतना लंबा बना दिया हाथ पूरे हाथ में, हो अंदर बनाने में लगा है, बनाने में लगा है, हाफ टी शर्ट पहन रखी है ये। बेटा पहले तो ये बता कि कंबल के अंदर हमारे पांव की कुल्फी जम गई है, तो घर के अंदर एक टी शर्ट में कैसे घूम रहा भाई? ये ठंड हो रही इतनी भयंकर, और क्या बना है हाथ दिखा जरा, हाथ दिखा, इतना लंबा बना रखा है ये। पूरा इतना लंबा पता नहीं, 1,00,000 का टैटू, 1,00,000 का टैटू, वाह 5,000 रुपए में ना इसको कोई ना खरीदे। और 1,00,000 का टैटू है क्या? इतनी गंदी बेइज्जती, ऐसे करते बोलते बना तो अच्छा रखा, लेकिन उसने देखो जा हैं क्या बोला आपने, बना अच्छा रखा देख। ओ भाई चेहरे पे खुशी, डिजाइन अच्छा बना रखा जो भी है पापा, डिजाइन सब ठीक है, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। हाँ डिजाइन क्या है, हड्डे फड्डे यानी क्या है ये, इसने भूत हड्डियां उसके बाल वाल सब बना दिए, सब बना दिए। लेकिन पापा कारीगरी ना वो बुक में क्या कर, और गर्मी के टाइम पे क्या कर, टी शर्ट उतार करके हाथ में ये कारीगरी करने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है पापा, हाथ खाली खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर समझ नहीं आती ठंड में इसको रखने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी कलाकारी की हम तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बना रखा, लेकिन बुक में बनाओ ना बेटा, ये हाथ में बनाने का क्या तरीका होता है? तेरे मुंह में बनाता हूँ अभी मुझे, वाह मेरे को तो सबसे ज्यादा टेंशन है ये विदाउट जैकेट में बैठे जाओ, जैकेट पहनो, चल जैकेट पहन, चल भाग यहाँ से, अब मत करना, पहले बोल रहा हूँ मिटा दे उसको। तो अभी मस्त होके दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं, ओम भी पढ़ाई कर रहा है और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बस पढ़ाई करते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खाना लग चुका है गाइस, तो फटाफट खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे, सबके सब खाना खा रहे हैं, पापा मम्मी ओम, तो बस खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी खाना वगैरह सब खा लिया है और अभी आ चुके हैं सोने के लिए, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो भाई और मैं चलते हैं सोने। और गाइज मेरे हाथ का टैटू आप देखो, ये देखो गाइज ये टैटू बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है गाइज, और इसको मैं अभी कभी नहीं मिटाऊंगा, ये मेरा 1,00,000 का टैटू, इसको मैं जिंदगी भर रखूंगा। तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी तो है नहीं, 1,00,000 का टैटू बनाएगा। सो गाइज मेरा टैटू तो मेरे हाथ में रहेगा, तो अभी कर देते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपके चेहरे पे स्माइल आई है, तो आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, विल टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन, तब तक के लिए क्या उसके बाद क्या बोलते हैं, गुड बाय, विल टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन, कल सुबह 8 बजे हां तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय। बाहर हो रही है भयंकर वाली बारिश, तो बाय बाय।
Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased.